कुमार शाह सुनाऊं तो वो कहते हैं हमें आप अरबी में ज्यादा मायल। इन्हीं सजदों को न मसलम होता रद्द मूड सम मुआदाति व सलम यसलमू इन्हीं न मुसतन मुस्तान हुदा ताति लिल ऐन न ततसरमू इन्हीं लिखते नहीं हम मदर अवर लगते बहुत शेर आते हैं माशाल्लाह। वो पेशवा हमारा जिसे नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद दिल भर यही है दिल में यही हर दम तेरा सिर्फ चूमूं कुरान के गिर्द घूमूं काबा मेरा यही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आपको एक नई बात बताऊं दिल में यही हर दम तेरा सिर्फ चूमूं कुरान के गिर्द घूमूं काबा मेरा यही है। मैं एक दफा कई साल हो गए कोठे पर चढ़ गया जी और कोठे पर चढ़कर कुरान शरीफ रखा उस पर फिर मैंने तवाफ किया। मैंने कहा मैं अमली तौर पर ये करूँ मैं कोठे पर चढ़ गई इसी कोठे जी यही इसी घर में इसी घर में इसी घर में जी। तो मैंने फिर उसका तवाफ किया उस तवाफ की बरकत मुझे यही वजह है कि मेरा दिमाग जो है बड़ा रोशन है माशाल्लाह। मीर मोहम्मद साहब मेरे शगीर थे मीर महदी साहब मौलाना अब्दुल रहमान साहब जट अब्दुल रहमान जट वो आपके रिश्तेदार थे नाना नाना जी उन्होंने हमें लस्सी पढ़ाई दोनों भाइयों को एक अब्दुल अजीज होता था जी। उसके बाद मेरी सहेली हमने पामड़ी में गुरुद्वारे में चंद जुमा पढ़ाए माशाल्लाह गुरुद्वारे में माशाल्लाह। उस दिन मियाँ साहब साढ़े वाला साहब काजा नहीं आ सके थे तो हमारा मदरसा था वो हिंदुओं की तरह था तो वो शेख कहने लगे ये बच्चे नु कितने वो कहने गया मैं काजा नहीं जा सके बच्चों जो पढ़ना अपनी मन वो कहने लगे साढ़े गुरुद्वारे से जो पढ़ो सही सिख सिख चुनाची वाला साहब ने कहा ठीक है। तो वाला मौलिक अब्दुल मेरे गुरुद्वारे में अजान दी मेरे को बड़ी सुरीली आवाज़ थी और हम गुरुद्वारे में चले गए वहाँ पर ग्रंथ पढ़ रहे माशाल्लाह। वाले साहब ने खुतबा जमा दिया बेसबाती का वो अब तक मुझे याद है हाँ? तो वो जमाना बदल गया मेरी तस्वीर भी है ले जाने तो ले जाए तो मुझे बहुत मौका मिले है मेरे मैं जामिया में पढ़ा हूँ माशाल्लाह। हजरत मौली सर शाह साहब मीर मोहम्मद साहब मेरे उस्ताद हैं मौली अब्दुल साहब जट मेरे उस्ताद हैं एक गुलाम हैदर थे जो मेरे जट थे। वो ज़माना तो था अजीब था अंग्रेज़ का राज था बड़ा उफ जैसा अंग्रेज़ का उस ज़माना नहीं आएगा सही बहुत बरकतों से भरा हुआ माशाल्लाह। तो कादियान तो सर मैंने चप्पा चप्पा पर घुमा है हैं क्या वो बात बताऊँ सबसे बड़ी यह है कि मुझे हजरत अमर जान का सलाम पहुँचा हुआ जिस हजरे में माज मुबारक में हजरत मसीह मौद नफल पढ़ा करते उस कमरे में मैंने दो नफल पढ़े हुए माशाल्लाह। मैं तो दुआ मन मुबारक के पास ही है जी मैंने देखा वो है मैंने देखी और जो चूल्हे थे हजरत अम्मा जान के वो भी वहाँ पर थे तो इन मुबारक जगहों पर मुझे कदम रखे फिर मैं मनारतुल मसीह पर कई दफ़ा चढ़ा माशाल्लाह जी। आप पार्टीशन के बाद दोबारा गए हैं कादियान या हिंदुस्तान नहीं एक दफ़ा गए थे लेकिन वहाँ पर पामड़ी में जाने का मौका नहीं मिला नहीं मिला लेकिन अब हालात बनेगा लेकिन मुझे उसी वक्त ये सारी किताबें मेरे पास हैं माशाल्लाह। मैं हो जा एक एक लफ्ज़ पर उठाएँ किताब उस पर लिखा हुआ देख लें फिर ये सारी किताबें मरहूजात मैंने पढ़ी हैं माशाल्लाह। एक बात आपको मैं बताऊं जी हजरत खलीफतुल मसीह सानी फरमाते हैं ये बात जद कि हजरत मसीह सुल्तानुल कलम थे जी और मैं सुल्तानुल बयान हूँ मुसलमान ठीक। जो शख्स मसीह मौत की किताबें नहीं पढ़ता और मेरी किताबें नहीं पढ़ता वो ऐसा है कि बाघ की सैर कर रहा है लेकिन आँखों को पट्टी बांधी हुई है। इस वक्त मसीह मौत की किताबें पढ़नी जरूरी हैं और हजरत मुस्लिम मौत की किताबें भी पढ़नी हैं। मैं तो दोनों की किताबें नहीं पढ़ता ऐसा है कि बाघ की सैर करता है लेकिन आँखों पर पट्टी बांधी है उसको कोई पता नहीं है। तो जितनी मुझे अहमदीद की बात को फिर एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मैंने
ये सारी किताबें मेरे पास हैं। ठीक। और मैंने नोट लिखे हुए हैं माशाल्लाह, और मुझे इतने याद हैं अरबी के फारसी के कि सारी जमात में दुनिया में इतने शेर किसी को याद नहीं माशाल्लाह। ये मेरा दिमाग जो है, एक दफ़ा एक आदमी मेरा दोस्त है मौल साहब के दिमाग गोपरी के है, इसमें बहुत कुछ है माशाल्लाह, तो मेरे सिर पर असर आ दें जी। अब मैं कल हजाम करवाऊँगा, तो आपको मिलकर मुझे इतनी खुशी है, रूहानी भाइयों को जिस्मानी भाइयों से।